senior general manager of ICICI Bank Limited and its general manager as well. Mr. Sachin has worked with Honda. He serves as director of ICICI Home Finance Company. Now let's have the pleasure of listening to the words from our guest of honor, Mr. Sanjit Khandelwal. Fir Wadia Farah ke har zarre ko chamka de, fir show ke tamasha de, fir zo ke takaza de. Very good morning to all of you. I'm humbled to be standing here, and I will try and do justice to why I'm here. Honorable VC Saab, Mr. Pervez, Mr. Kindo, Krishna Kumar from TCS, Professor Fatima and Professor Rehan Khan, a close associate and friend for many years. We come from the same school. More importantly, the deans and HODs who've come to attend this event. And finally, the students for whom we are all here. I was pretty impressed with what I saw in the last 15 minutes. You have education in 6 languages. You are teaching a lot of things in Urdu. Vocational training in Urdu to enable people. Master of Social Works, MBA, MTech, MSc, BAM, BCom. Kafi variety hai, kafi spread out hai. This is a very good ingredient. Aapka jaisa campus jab Mayor Rehan pass kiye Jamia, humare paas nahi tha. Bilkul bhi nahi tha. It was not a patch on what you have. You are lucky. And the way it is maintained, I am very impressed. I wish I was a student here. Before I get into jo main share karna chahta hu, 3 points jo pichle 15 minute mein aaye un pe main binary jawab dena chahunga. Krishan Kishore ne saaf bol diya hai, everything is digital. Digital mein sirf do bhasha hoti hai, 0 ya 1. 3 point abhi tak humne sune hain, 2 mein hum 1 hain, 1 mein hum 0 hain. Where I agree with Krishna Kumar, real time support, case situational, taiyari ho karke jaiye. Interviewer 3 minute mein bhaap leta aap taiyar hain ki nahi hain. या हवा में फेंक रहे हैं. अगर आप बोल रहे हैं मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो सवाल आएगा प्लीज प्रूव रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. सबको याद है सबसे पहले यही किया था राइट. जब तक आपको वो याद नहीं होगा तो आपके बेसिक्स नहीं, आप खोखले हैं एज पर द इंटरव्यूअर. 3 मिनट का इंटरव्यू, 40 मिनट का प्रोसेस चलता रहेगा, इंटरव्यू आपका 3 मिनट पर खत्म हो चुका है. दूसरा जो पॉइंट विच आई कंप्लीटली अग्री विद रेहान साहब, सूटेबिलिटी एंड रेलिवेंस बहुत जरूरी है. जो आप कर रहे हैं वो सूटेबल है या रेलिवेंट है आपके लिए कि नहीं, आपके फ्यूचर के लिए कि नहीं, और आपका फ्यूचर और इंडस्ट्री का फ्यूचर कोई फर्क नहीं है. मैं एक स्टूडेंट होकर आया हूँ और बिकॉज मैं काफ़ी एसोसिएटेड रहा हूँ अपने कॉलेज से, जामिया से, अपने मैनेजमेंट स्कूल से, सिडनम से, जहाँ से मैं पास आउट किया हूँ, उसका मैं करिकुलम कमेटी में हूँ, उसका मैं एलुमनाई एसोसिएशन में हूँ, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये रेलिवेंस और कॉन्टेक्चुअलाइज करके चीज़ों को स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए ताकि वो तैयार हैं इंडस्ट्री के लिए. जो एक पॉइंट है जो कि मैं मुजम्मिल राइट मुजम्मिल साहब और प्रोफेसर फातिमा से अग्री नहीं कर रहा हूँ वो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमी डिफरेंट है. वी हैव टू लीव दिस थिंकिंग अवे. अगर यही थिंकिंग चलता रहा तो एकेडमी का जो इनपुट्स है वो प्योरली एकेडमिक नहीं होना चाहिए, उसका कुछ रेलिवेंस या उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए स्टूडेंट को. और फ़ायदा तभी होगा जब वो इंडस्ट्री में लेके जाए. इंडस्ट्री से मेरा तात्पर्य कभी भी जॉब के लिए नहीं होता है. इंडस्ट्री मीन्स व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ. आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, यू कैन बी द मोस्ट प्रोफेशनल किराना शॉप इन योर नेबरहुड. दैट इज एज प्रोफेशनल एज मेरा जो फैंसी डेजिग्नेशन है एक सीईओ का, कोई फर्क नहीं है दोनों में, मुझे नहीं लगता है. हो सकता है वो अपनी दुकान को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी से, ज़्यादा तरीके से, कम रिसोर्स लगा के और बेटर चला रहा होगा. हम तो रो पिट के 2.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं. मुझे नहीं लगता वो 2.5% पे काम करता है, वो 10% पे काम करता है. वो मुझसे और मेरी कंपनी से 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है. कैसे हुआ वो एफिशिएंट, अगर ये आप समझ लें तो जो भी आप करेंगे लाइफ में वो आपको रेलेवेंट रहेगा. नाउ वेलकम टू द 3 टॉपिक्स और थीम्स जो हमने देखे हैं इस ब्रोशर में. रिहान से हमारा एक डिस्कशन भी हुआ था फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रेलेवेंस पार्टिसिपेशन कोऑर्डिनेशन. 3 चीज़ें हैं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्किल सेट्स और स्ट्रेटजी. बिफोर आई गेट इनटू देम, मुजम्मिल ने थोड़ी सी गलत आदत लगा दिया तो एक शेर हम भी बोल देंगे. इस सेंस ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग माइन वेर आई कम फ्रॉम जामिया, टेक्नोलॉजी ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे मेमोरी वाले. सो बहुत बहुत शाना बहाना बनाया मैंने अपना लैपटॉप खोलने के लिए. कारण यह है कि मेरा
22-23 साल का तजुर्बा एज अ स्टूडेंट जो मैं आज 15 मिनट में आप लोगों के लिए कॉन्टेक्चुलाइज करना चाहता हूँ, मैं कोई अहम पॉइंट मिस ना कर दूँ, सिर्फ ये मेरा अटेम्प्ट है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट इन एनी अदर लाइट. राइट, लेट अस टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ें एक चीज़ में मिल जाए. कन्वर्जेंट प्रोडक्ट का नाम सुना है किसी ने? पहला क्या कन्वर्जेंट प्रोडक्ट था जो कि मल्टी यूटिलिटी डिवाइस था? कोई बताएगा मेरे को? सवाल है आप सबके लिए, किसी के लिए भी. सर, बैंग ऑन, ऑलमोस्ट देयर. माय आंसर वाज अ सोनी वॉकमैन विद अ रेडियो एंड अ कैसेट प्लेयर, और 2-in-1, दो चीज़ों में एक. ये कब आया था? सोनी ने वॉकमैन को बहुत प्रचलित किया था 1960s में, लेट 60s में. उसके बाद 40-45 साल लगे अगले इनोवेशन में. अगले इनोवेशन का नाम क्या था? फोन, स्मार्टफोन. वैसे स्मार्टफोन मुझे बहुत डम लगता है क्योंकि उस पर गलत बटन दबाता तो वो गलत ही काम कर देता है, और उसको स्मार्टफोन कहा जाता है. 40 साल लगे उसको आने में. उसके बाद एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्नोलॉजी आई, ATM, एनी टाइम मनी. 2000 में जब मैं ICICI बैंक में था उस टाइम करीब 12 लाख का एक ATM होता था. 2010 में कोई गेस करना चाहेगा ATM की क्या कॉस्ट थी? कोई भी जस्ट तुक्का मारिए. आपने कॉस्ट बढ़ा दी है बोल रहे 30 लाख. कोई और किसी ने कम करी है क्या? 2 लाख. आज की डेट में ATM 2500 रुपये में मिलता है. दिस इज इनोवेशन, दिस इज प्रैक्टिकल इनोवेशन. आपके हर एक के फ़ोन में, और अब तो भीम एप्लीकेशन और आपका जो हैशटैग डाउनलोड से नॉन स्मार्टफोन में भी आप बैंकिंग कर सकते हैं. तो इवन 1500 रुपये का फ़ोन, मैं उसको आज बोलता हूँ दुनिया का सबसे चीपेस्ट ATM जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल है. राइट, तीसरी चीज़ जो आ रही है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वो है इंटरनेट ऑन थिंग्स, IoT. सुना है आप लोगों ने? हर चीज़ में इंटरनेट आ रहा है. आपका TV का डायग्नोसिस करके देखते हैं कि ये साहब 40% टाइम स्पोर्ट्स में लगाते हैं, 20% टाइम न्यूज़ पे लगाते हैं, और 20% टाइम मूवीज़ पे लगाते हैं. इंटरनेट के ज़रिए वो मेरा एनालिसिस कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं मेरा एनालिसिस वो? क्योंकि उससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा उस डेटा से. उसके बाद जो अगली चीज़ आनी है वो भी आ गई है, एंड मैंने ये टर्म इजाज़ करी है. मैं इसको बोलता हूँ IoP, इंस्टेड ऑफ IoT इट इज़ IOP, इंटरनेट ऑन पर्सन. इस हैंडसेट की भी क्या ज़रूरत है? एक चिप यहाँ पे, दूसरा चिप यहाँ पे. जब किसी ने कॉल किया, बज हुआ, यहाँ से हमने उठाया, यहाँ से हमने बात करी. Why cannot that be? Possible है, बिल्कुल पॉसिबल है. आज से 16 साल पहले जब मैं होंडा कार्स में काम कर रहा था, हमें एक बेहुदा सवाल पूछा गया, 15 साल बाद आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए? हमने कहा यार आज का पता नहीं, 15 साल बाद का क्या बताएंगे. तो हमारे ग्रुप में एक आदमी ने बोला, ये गाड़ी ना पैरेलल रिवर्स करने में, दो गाड़ियाँ खड़ी हों एक के पीछे एक, उसके बाजू में लगाने में, दोनों गाड़ियों के बीच में बहुत मुश्किल होती है. एंड नो ऑफेंस मैन, मैं शोविनिस्ट नहीं हूँ, पर उसने बोला मेरी बीवी को थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है. हमने ये होंडा को बताया गया 2012 में. 2015 की गाड़ी के डिज़ाइन के लिए वो टीम आई थी. 1998 में हमने 2015 की R&D टीम से इंगेजमेंट किया था, और हमने उनको बोला था 2012 में एक गाड़ी आई है जिसमें पीछे एक एक्स्ट्रा पांचवा पहिया होता है. गाड़ी पीछे से उठती है, वो पहिया स्लाइड करता है, और गाड़ी आप इमीडिएटली पार्क कर सकते हैं. और आज की डेट में तो आपको स्टीयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पोजिशन करिए और अपने आप पार्क हो जाएगी. सोल्यूशन हर चीज़ का है, इनोवेशन का सोल्यूशन है, पर 15-18 साल लगते हैं ऑटोमोबाइल जैसी कंपनी में कोई सोल्यूशन को निकालने के लिए. ये चीज़ें बहुत अहम है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. जो हम दूसरे टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं वो है स्किल सेट्स. एलेक्स फर्ग्यूसन का नाम सुना आप में से? कितने लोगों ने सुना है? एलेक्स फर्ग्यूसन कौन है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत फेमस कोच. मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल क्लब है लंदन में. उनकी पोजीशन क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से हिज पोजीशन इज? ही इज द टेक्निकली द मैनेजर ऑफ द क्लब. मैं उसको रीडेजिग्नेट करना चाहता हूँ एज अ स्ट्रैटेजिस्ट. उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी का तात्पर्य क्या है? स्ट्रैटेजी से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी प्लीज़ हेल्प मी. एनीबडी, लाउडली एनीबडी कैन से? लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान. ये टर्म कहाँ से आया है? प्लीज़ अपना इंटरनेट मत खोलिए, अब फोन पे, गूगल पे मत जाइएगा. ये टर्म कहाँ से आया है स्ट्रैटेजी?
Bang on, sir. Thank you very much. A round of applause for both of them. It is a military term, jiska definition hai, placing your troops in advance, in the right position, which is to your strength and the enemy's weakness. Main dohraunga. Placing your troops in advance, in the right position, to win a war, which is favoring your strengths and against the weaknesses of your enemy. Ye matlab hota hai strategy ka. Har ek insaan ka strategy ho sakta hai. Hum bhi ek individual hai, hum bhi ek brand hai. हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक अलग से ह्यूमन ह्यूमंस में यही फर्क है. दो गाइस बराबर हो सकती हैं, दो इंसान बराबर नहीं हो सकते, इवन इफ दे आर साइमिस ट्विंस. एंड दैट इज द पोजीशन, दैट इज द रीजन. हर एक को एक पोजीशन लेना है. व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे क्या वीकनेसेस हैं. दैट इज व्हाट इज इट. सो एक बहुत अहम चीज़ है कि आपका स्ट्रैटेजी है कि नहीं. मैं कुछ पिछले दो तीन दिन में देख रहा था बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के फोरम्स हैं कि वाई शुड द टू इंटरैक्ट, अकेडमी और इंडस्ट्री को इंटरेक्शन क्यों करना चाहिए, राइट. बहुत सारी जगह देखी, IIT कानपुर, अमेरिकन स्कूल्स, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्लेसमेंट MBA कॉलेजेस इन इंडिया, क्योंकि इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए एक बेसिक रिसर्च के लिए, इंडस्ट्री को पार्टिसिपेशन चाहिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपके लैब्स में, एक अकेडमिक इंटरवेंशन चाहिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंटिन्यूटी होना चाहिए एजुकेशन प्रोग्राम में, ताकि आप जो बना रहे हैं एज अ इंडस्ट्री, अगर वो आने वाला स्टूडेंट उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, राइट. इस पॉइंट पे मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा, एंड नो ऑफेंस मेंट टू एनी पीपल हु मेड द करिकुलम, ऑल दी डीन्स एंड प्रोफेसर्स हियर, बट द फैक्ट इज़ मेरे मॉम के नाना ने भी इंजीनियरिंग किया था मेरे से 25 साल पहले, और वही फिजिक्स में सिंकोप्लेन और वही मार्केटिंग में कोटलर की किताब उन्होंने भी पढ़ी थी और मैंने भी पढ़ी थी. क्या 25-30 साल में फिजिक्स और MBA चेंज नहीं हुए? मैं बोलता हूँ चेंज हुए, क्योंकि जब कोटलर साहब को मेरा सौभाग्य हुआ 2006 में एक बार बॉम्बे में मिलने के लिए, एक सेशन के लिए आए थे एक घंटे के लिए, तो समहाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, उस टाइम मेरे को काफ़ी समझ में आ रही थी, मुझे लग रहा था उनके थोड़े से कॉन्सेप्ट आउटडेट हो गए, क्योंकि वो किताबें लिखी गई थी लेट 80s और अर्ली 90s में, और 2006 में वो रेलिवेंट नहीं रही थी, राइट. एक जो दूसरी रियलिटी, जैसे हमने कॉलेज से निकल के इंडस्ट्री में आया और काम करना शुरू किया, एक रियलिटी बहुत बुरी तरह से हिट करी. एक अंग्रेजी में कहावत है, स्क्वायर पेग एंड राउंड होल. ईच जॉब इज अ राउंड होल एंड ईच वन ऑफ अस इज अ स्क्वायर पेग. उस नक्काश की जरूरत है, उस कारीगर की जरूरत है जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, और आपका जूनियर भी हो सकता है, जो कि आपको तराशेगा, आपके जो शार्प पेजेस है उनको चिजल करेगा, ताकि आप उस राउंड पेग में थोड़ा बहुत फिट हो पाए. बहुत किस्मत से आप 100% फिट देखेंगे लोगों को, बहुत मुश्किल होता है. स्क्वायर पेग और राउंड होल इज अ क्रॉस रियलिटी फॉर विच आपके एजुकेशन के टाइम पे ही अगर आपको एक्सपोजर मिलता है, वर्कशॉप्स मिलते हैं, इंडस्ट्री से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, प्लीज़ करिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू डू इट. और जो तीसरी चीज़ है, सक्सेस सिर्फ उसी चीज़ में मिलेगा जिसका या तो आपके पास पैशन है या आपके पास स्किल सेट्स हैं. स्किल सेट्स आपके पैदाइशी हो सकते हैं. लाइनल मेसी के स्किल सेट्स पैदाइशी थे, आइंस्टाइंस के स्किल सेट्स पैदाइशी थे, तेंदुलकर के स्किल सेट्स पैदाइशी थे. एक प्रोफेसर, एक टीचर मिलता है उसको होन करने के लिए, वो बहुत जरूरी है. वो होनिंग और चिजल करने के बाद जो बनता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ मास्टरपीस. और वो जरूरी है, या तो आपका पैशन हो उस चीज़ के लिए वो करिएगा, या आपका स्किल सेट हो उस चीज़ के लिए वो करिएगा. हमें लगता है हमारा काज में बहुत पैशन था. इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी बाइक हम अपने आप सर्विस करते थे, गैराज कभी लेके नहीं गए, वर्कशॉप कभी लेके नहीं गए, इसीलिए हमने ऑटोमोबाइल में शुरुआत करी. होंडा में हमने काम किया, होंडा के बाद हम ICICI कार लोन्स के लिए. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि फाइनेंस और कार लोन्स और कार और ऑटोमोबाइल समझने में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं दोनों फील्ड्स, तो मैं शायद अच्छा कर पाऊँ. और थोड़ी बहुत मुझे सक्सेस मेरे कार लोन्स के बिजनेस में सबसे पहले मिला ICICI में. तो पैशन होना चाहिए या आपने स्किल सेट एक्वायर किए हैं, सिर्फ वो चीज़ करिए. नाम के लिए कोई चीज़ करेंगे वो कभी आपको काम नहीं आएगी. एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो इंटरेक्शन होता है आज की रेट में, वो किस तरह से हो रहा है. इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट सेल्स होते हैं, वहाँ पे एजेंडाज होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, कमिटीज़ होती है, आप लोग कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, इंगेजमेंट प्रोग्राम होते हैं इस तरह के, जिसमें गेस्ट लेक्चर हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, और रिसर्च पेपर्स आप लोगों को मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, आपके प्रोफेसर, आपके डीन्स लेके आते हैं अच्छी अच्छी कंपनी से, ताकि आप लोगों को रेलिवेंट एक्सपोजर मिल जाए. एंड एक इंटरफेस होता है, रेहान साहब जैसे TPOs रहते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर रहते हैं,
और एक स्टूडेंट बॉडी होती है जो कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है. बट जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या आप उसको रेलेवेंट या कॉन्टेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. इन द एंड आई वुड लाइक टू से तीन चीज़ें, इनोवेशन, स्किल सेट्स एंड स्ट्रैटेजी में क्या करना चाहिए. ये एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है. मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे 22 साल के तजुर्बे में जो मैंने देखा है चार अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, उसके बेसिस पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सबसे अहम कस्टमर है जो कि मार्केटिंग का पहला कस्टमर उसे, हु इज़ योर कस्टमर, डू यू नो योर कस्टमर. फॉर ईच स्टूडेंट, फॉर ईच फैकल्टी, फॉर ईच डिविजन एंड फॉर ईच फंक्शन, डू यू नो योर कस्टमर. किसके लिए आप अहम हैं, किसके लिए आप रेलिवेंट हैं, कौन आपको खरीदेगा. सेकेंड इज आपका टेक्नोलॉजी बेस क्या है. कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कभी कस्टमर से बात ही नहीं कर पाएंगे, बोलेगा जी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा. ना TCS वाले समझा पाएंगे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है. मैं तो 22 साल से काम कर रहा हूँ, जब भी कोई दो सिस्टम्स को बात करनी हो तो सबसे पहला सवाल आता है, डिले होता है, ये दो चीज़ों का आता है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता. तो वो इंटीग्रेशन ज़रूरी है. किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह के प्रोसेस हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स या आपके कोर्स में उसका कहीं पे आपने थोड़ा सा भी हिंट दिया ताकि वो एक इंटरव्यू में वो 5 मिनट का जवाब दे पाए कि दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ योर इंडस्ट्री एंड बिजनेस. तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में डू यू नो योर कस्टमर एंड व्हाट इज़ योर टेक्नोलॉजी बेस. स्किल सेट डेवलपमेंट में दो चीज़ें हैं. एक तो होता है इंटरैक्टिव प्रोग्राम. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा. ICICI बैंक में ब्रांचेस खोलनी शुरू करी, 1500 ब्रांच हुई, 2000 हुई, उसके बाद हमने 1000 ब्रांच खोलनी थी. ब्रांचेस खोलनी थी छोटे लोकेशन में, वहाँ पे मेरे जैसे बाबू टाई वाई पहन के चले गए और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए घटपट, तो कस्टमर भागना शुरू हो गए. बोलते भैया ये तो आदमी हमारे मतलब का ही नहीं है. दुकान तो खोल दी ब्रांच में, ICICI बैंक को लोग फॉरेन बैंक समझ रहे थे और हमें बोलते थे आप भी सिटी बैंक की तरह फॉरेन बैंक है, हम तो आपकी ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलेंगे. तो हमें माटी के खून के पास जाना पड़ा, माई के लाल के पास जाना पड़ा. ओडिशा में है, अगर ईस्ट ओडिशा में है तो ईस्ट ओडिशा का लड़का जो कि वहाँ की भाषा बोलता है उसको हमें लेना पड़ा एज अ ब्रांच मैनेजर. अब उसको लिया एज अ ब्रांच मैनेजर, वो बैंकिंग समझता नहीं है. तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ICICI बैंक का प्रोग्राम हुआ ब्रांच मैनेजर ट्रेनिंग. सबसे पहला जो मैंने एक प्रैक्टिकल कोर्स देखा जहाँ की इंडस्ट्री और एकेडमिया मर्ज किए कि वहाँ से हम स्टूडेंट्स उठाएंगे और 600 में से 400 स्टूडेंट उठाए गए उस साल उस कोर्स से. वो कोर्स को क्रिएट किएगा. दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. को क्रिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक इंडस्ट्री पकड़िए, फोकस करिए और उनके साथ बोलिए आप क्या चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या भाषा बोलनी चाहिए, क्या लैंग्वेज समझनी चाहिए, क्या प्रोसेस आना चाहिए, क्या जार्गन आनी चाहिए, क्या वर्ड समझने चाहिए. हम आपके साथ उसको करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और साथ में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते रहिए. तो एक इंटरैक्टिव जो है वो बहुत ज़रूरी है. को क्रिएट करिए प्रोग्राम्स. एंड एक होता है ऑन द फ्लाई जिसको बोलेंगे कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स. आप पूछिए जी क्या प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, क्या करना चाहेंगे, किस तरह का इनपुट आपको चाहिए होगा, उस तरह के हमारे कोर्सेज में हम थोड़ा सा यू नो चेंज करेंगे. टू ऑल द प्रोफेसर्स एंड डीन्स, मैं कोई बहुत अपसाइड डाउन कोर्स चेंज करने की बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो कोर्सेज हैं वो बहुत कोर हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो रहने चाहिए. 80-90% वही रहेंगे. जो 15% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम अपने तजुर्बे से नहीं, हम इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर स्टूडेंट्स को सिखाएंगे दैट बी वेरी रेलेवेंट. एंड फाइनली ऑन द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, दो चीज़ें जो कि ऑलरेडी मैं टच कर सकता हूँ. को क्रिएशन करिए, उसके साथ जाके उसके साथ बनाइए कि क्या चाहिए उसको. बहुत आसान है बैठ के प्रोडक्ट बना देना. हमने पेजर्स, पेजिंग इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी, किसी को याद है पेजर क्या होते थे? बड़ा इनोवेटिव था. लियांडर पेज 1996 अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे, पहला इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल था. कलकत्ता के एयरपोर्ट पे थे, हम उनसे टकरा गए. हमारे पास पेजर था, उनके पास मेडल था. हमने कहा मेडल दिखाओ तो हम पेजर दिखाते हैं, बार्टर सिस्टम. ही वॉज इंटरेस्टेड, ही सॉ दैट पेजर विद मी. मैंने लियांडर पेज को समझाया और स्पोर्ट्समैन थोड़ा बहुत रह चुका हूँ, कभी ओलंपिक मेडल के आसपास भी पहुँचने की यू नो हैसियत नहीं रखता हूँ, पर एक ब्रॉन्ज मेडल को मैंने छुआ हुआ है. और वो पेजर हमने लियांडर पेज को समझाया. पहला पेजर का कस्टमर जलंधर में था, नोकिया पेजर का. हम उसको मिलने गए, हमने कहा जी एक हफ्ता हो गया आपका पेजर यूज़ नहीं हो रहा है. सदाजी ट्रक वाले जलंधर में कहते हैं जी बकवास है, काम ही नहीं करता. प्रॉब्लम क्या है जी? वो कुछ बचता ही नहीं है. मैंने कहा आपने नंबर दिया? बोलता क्या नंबर देना है. तो सदाजी को बोला गया जी आपके ऑफिस में मिस्ड कॉल आएगी तो आपको इसको मैसेज आ जाएगा किसकी मिस्ड कॉल है. अब मिस्ड कॉल उनको लगा ऑफिस में आएगी, मिस्ड कॉल जानी है कॉल सेंटर पे कि सरदार जी प्लीज़ कॉल मी ऑन दिस नंबर. सरदार जी 4 दिन से पहला सीरियल नंबर 1 का पेजर लेके बैठे हुए थे, 4 दिन यूज़ नहीं हुआ. हम दिल्ली से उड़ के जलंधर गए, हमने कहा भैया समझो तो सही हुआ क्या है, क्यों नहीं यूज़ हो रहा है. तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत अहम है.
कस्टमर को जाके आप समझाइए तो सही प्रोडक्ट क्या है। सबसे बड़ा ट्रकर था, बोला जी पेजर आया हिंदुस्तान में, पहला पेजर मुझे चाहिए। खरीद तो लिया पर एक हफ्ते तक उसको लग रहा था पेजर बकवास है। बकवास इसलिए क्योंकि मिस सेलिंग हुआ है, ट्रेनिंग नहीं हुआ है, कस्टमर को समझाया ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। एंड आखिरी जो पॉइंट है स्ट्रैटेजी का, आपकी पोजिशन क्या है, व्हाट इज योर पोजिशनिंग। मेरे को थोड़ा आइडिया था मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के बारे में। सुबह जब मैंने सुना है 10-15 मिनट में जो एवी देखा है, मुझे लगता है आपकी एक बहुत यूनिक पोजीशन है। हिंदुस्तान में हज़ारों कॉलेजेस हैं, हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों एमबीए कोर्सेज हैं। यू आर कम्पीटिंग विद ओनली अ सेलेक्ट 5 or 6, उस्मानिया, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह से आप लोग कम्पीट कर रहे हैं ऑन दी उर्दू प्लेटफॉर्म। एक ये बहुत बहुत मजबूत आपका पिलर है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे एंड बींग इन द रैट रेस एंड जस्ट लाइक अनदर एमबीए स्कूल और व्हाटएवर, आप ये लोग देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की किस तरह से आप उस बेस को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे उर्दू में आप एक एमबीए में स्पेशलाइजेशन करके क्या वैल्यू एड करी जा सकती है कोई 2-4 इंडस्ट्री को। हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स आते हैं, जस्ट पिक एंड वन और टू ऑफ दम। तो पोजिशनिंग जो है मेरे हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व होता तो मैं बोलता एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है पोजिशन लेने के लिए, प्लीज़ वो पोजिशन लीजिए, आपको डेफिनेटली तरक्की मिलेगी। दैट इज़ ऑल आई हैड फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। कोई सेंटिमेंट्स अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट किए हैं आई अपोलोजाइज, सिर्फ मेरे तजुर्बे से और जो मैंने देखा है वो सारा मैंने शेयर किया है। एंड एज एंड व्हेन रेहान फील्स बाद में या अभी अगर कोई सवाल होंगे आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। थैंक यू सो मच, यू बीन अ लवली ऑडियंस।